चाय को लेकर तलाक की नौबत आ गई। चाय का मामला परामर्श केंद्र तक पहुंच गया। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। आगरा में पत्नी को जबरदस्ती चाय पिलाने को लेकर पति पत्नी में ही जंग छिड़ गई और फिर पत्नी ने पुलिस से शिकायत कर दी। मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा। शहरी पति को चाय पीने का शौक था और गांव की नवविवाहिता को गर्म दूध पसंद था। पति ने पत्नी को भी चाय की आदत डालने का दबाव बनाया। मामला बहस के बाद विवाद में बदल गया। पत्नी ससुराल छोड़ मायके आ गई। पति की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले को परामर्श केंद्र को भेज दिया। परामर्श केंद्र के काउंसलर मामले को सुनकर हैरान रह गए। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। काउंसलर के मुताबिक इस दंपत्ति का विवाह इसी वर्ष अप्रैल में हुआ था। पत्नी ग्रामीण क्षेत्र की है और पति शहर के निजी कंपनी का कर्मचारी है। पति को दिन में कई बार चाय पीने की आदत है और पत्नी को गर्म दूध पसंद है। पत्नी ने बताया कि पति को वो चाय बनाकर देती है, पर जब वो दूध पीना चाहती है तो पति खर्च अधिक होने की बात कहकर चाय की आदत डालने का दबाव बनाता है। काउंसलिंग के दौरान पति ने भी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए। पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी बदतमीज है, उसके माता पिता के साथ गलत बर्ताव करती है। काउंसलर के समझाने के बाद पति ने भविष्य में पत्नी पर चाय पीने के दबाव ना डालने का वादा किया और दोनों आपसी सहमति के साथ रहने को तैयार हो गए। जब दूध वो पीती है तो जो भी दूध थोड़ा बहुत बचता है वो दूध ले ले तो क्या दिक्कत है। लड़के की समझ में आ गया है, बोला है उसने सर थोड़ा सा दूध और बढ़ा देंगे और हम इसको दूध दे दिया था। दोनों मतलब पर पत्नी दोनों की समझ में आ गया है, लड़की जाने के लिए तैयार हो गई है और खुशी दोनों में समझौता हो गया है और दोनों घर चले। लड़की ने जब ससुरालियों से और अपने पति से दूध की डिमांड की तो दूध नहीं मिला, बल्कि उस पर चाय पीने का प्रेशर लगाने लगे। इसके बाद लड़की ने अपने परिजनों से इसकी शिकायत की। वह अपने मायके चली गई और फिर थाना पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। काउंसलर ने पति और पत्नी दोनों को समझाने का प्रयास किया तो पति का आरोप है कि उसकी पत्नी बदतमीज है, बदतमीजी से बात करती है, तो वहीं उसकी पत्नी का आरोप है कि उसका पति लगातार उसके ऊपर चाय पीने का दबाव बनाता है, जबकि वे चाय नहीं पीना चाहती। फिलहाल काउंसलर्स ने दोनों पति पत्नी को समझाकर समझौता करा दिया है और अब दोनों अपने घर की ओर रवाना हो गए हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज 18 आगरा।